अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ वैस रज़ा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मुल्तान पेट्स। जी मेरा नाम मलिक अब्दुल मुनीर तबस्सुम है, वैसे प्यार से मुझे लोग मुन्ना भी बोलते हैं। मुजफ्फरबर्ड एवेरी के नाम से मैंने ये फार्म बनाया अपने मुजफ्फर सिटी के अंदर। तो इंशाल्लाह ताला आए आपको बर्ड दिखाते हैं, और जो इंशाल्लाह अभी ये फार सेल तो नहीं है, इनके अंदर जो ब्रीड आएगी वो हमारी फार सेल होगी इंशाल्लाह ताला। जो है अल्लाह करेगा जितनी अच्छी ब्रीड आएगी इंशाल्लाह वो हम उसे फार सेल करेंगे। तो आए हम आपको विजिट करवाते हैं अपने फार्म का। ये पौधों के मतलब बताएं, पौधों के मतलब बताएं। ये पौधे इसलिए लगाए जाते हैं कि इन्वायरमेंट है, परिंदों को ये खुश होते हैं इससे, मतलब है ग्रीनरी होती है परिंदों को, मतलब इससे ज़रा परिंदे फील करते हैं कि हम किसी जंगल में या मतलब इस तरह के माहौल में रह रहे हैं, तो इसलिए इनको लगाया गया है। अच्छा, कितना पैर नंबर में क्या रखा है आपने? जी ये रा का पेयर है मेरा, और अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा रेडी टू ब्रीड पेयर है इंशाल्लाह। इसने पिछले साल भी लिंक की थी और दो तीन बच्चे भी निकाले, अल्हम्दुलिल्लाह इस साल भी इससे अच्छी उम्मीदें रखी हुई हैं। अल्लाह मेरा ग्रे का पेयर है, और ये माशाल्लाह जाना पिछले साल भी इसने सिक्स दिए हैं, इस साल भी इंशाल्लाह ताला ये बॉक्स। अल्हम्दुलिल्लाह ये ब्रीडर पेयर है मेरा, और इससे आगे भी मेरा जो है वो भी एक ग्रे का पेयर है। ये भी मेरा ब्रीडर पेयर है, इसने पिछले साल भी मतलब ब्रीड की है, और इस साल भी इंशाल्लाह ताला इसे यही तो कभी इंशाल्लाह अच्छी ब्रीड करेगा। रा का पेयर है, अल्हम्दुलिल्लाह ब्रीडर पेयर है मेरा। ये मेल है, वो फीमेल बॉक्स में बैठी है। जी ये भी मेरा रा का पेयर है, और ये भी ब्रीडर पेयर है मेरा। अल्हम्दुलिल्लाह लेंथ वाइज खूबसूरत पेयर है मेरा। ये पेयर है जी, रा का पेयर है मेरा। ये भी माशाल्लाह मेरा ब्रीडर पेयर है जी, मादा बॉक्स में है। एक ये पेयर है मेरा रा का, माशाल्लाह रेड सपोर्टेड पेयर है मेरा ये। अच्छा मुन्ना भाई, ये जो फीमेल है बॉक्सेस में है, क्या ये अंडे देने वाली है? ये बिल्कुल ऐसे ही है जी, ये लेन करने वाली है माशाल्लाह। जी ये भी लेन करने वाली है माशाल्लाह। मेल इधर से बैठा हुआ है इसका, 12 बजे सेट से, बल्कि मादा का तारा दे रहा है। ये फर्स्ट एग आ गया जी मेरे रा का, अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी मेरा रा का पेयर है, उसने फर्स्ट एग लेन किया हुआ है जी, आज ही लेन की है इसने। और इंशाल्लाह ज़रा ब्रीडर पेयर है जी मेरा ये। ये देखें जी माशाल्लाह, मादा बास पिछले ही बैठी है और मेल भी बैठा है माशाल्लाह। पेयर मेरा इधर से ये भी है, मादा तकरीबन बॉक्स में आ रही है सारी इंशाल्लाह। ऐसे ऐसे जैसे सीज़न स्टार्ट हुआ है तो मतलब मादा बॉक्स में आना शुरू हो गई है, मेल बैठा है बाहर। जी एक ये पेयर है जी मेरा राग, तो ये भी ऐसे बॉक्स में आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और ये बाहर आ गया है। यंग पीस हैं जी इंशाल्लाह ताला, जिसमें येलो के जो हैं वो रिंग आ गए हैं उनके, तो उसको इंशाल्लाह ताला मार्च अप्रैल में हम लगाएंगे ज़रा इस, ये पहली दफ़ा ब्रीड करेंगे। और ये सन किन्नौर के डीएनए भेजे हुए हैं, इनके डीएनए आने वाले हैं, और आके जो है वो मतलब है मेरे पिछले साल के हैं। और ये क्लियर हेड का पेयर है मेरा माशाल्लाह, ये यासर नवाज इस्लामाबाद से उन्होंने मुझे दिया था, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर में ब्रीड करेगा। तो ये कितने पट्टे हो जाएंगे? ये अल्हम्दुलिल्लाह पट्टे इसमें काफ़ी सारे हैं, 25-30 पट्टे हैं, नेक्स्ट ईयर में तकरीबन इनका इंशाल्लाह
केज भी बनवाएंगे और इनको ब्रीड के लिए भी लगाएंगे इंशाल्लाह। हाँ जी, एक पीस का केला फेरा है इसमें, मतलब है वो इसकी मादा एक्सपायर हो गई थी, एक मेल फेरा केला। तो बाकी जो है इंशाल्लाह, तो इधर येलो के पीस हैं सारे मेरे पास, इनमें भी मेल और फीमेल मतलब कन्फर्म हो गए हैं अब, तो ये नेक्स्ट ईयर प्लान के लिए रखे हुए हैं, तो इंशाल्लाह ताला इनको नेक्स्ट ईयर में लगाएंगे। येलो ब्लू क्लियर टेल येलो हेड और ये ग्रे के, इसमें जो है ये सारे बैठे हैं कलोनी में, इंशाल्लाह ताला इनको भी हमने केज देने हैं। वो देखो इस ईयर में देते, नहीं तो नेक्स्ट ईयर में देंगे। ये सारे मेरे अडल्ट पीस हैं माशाल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ये लाइन मेरी येलो की है और ये माशाल्लाह मेरे ब्रीडर पेयर हैं येलो के, और कुछ पेयर ने तो लेंग भी शुरू कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। पेयर है वाइट पिकनिक का, क्रीम की मादा है, वाइट का मेल है। तो अपना करते हैं ना, ये मेरा येलो का पेयर है जी माशाल्लाह, ब्रीडर पेयर है मेरा, और नीचे जो है वो वाइट का पेयर है, मतलब वाइट का मेल है और क्रीम की मादा है। सिंगल फैक्टर में क्रीमिनो है, और ये फिर एक येलो का है पेयर है अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी मेरा ब्रीडर पेयर है, ये भी मेरा येलो का पेयर है जी अल्हम्दुलिल्लाह, खूबसूरत पेयर है और ब्रीडर पेयर है जी। ये मेरा वाइट का पेयर है, वाइट रिंगनेक का, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा पेयर है, और इसके साथ भी वाइट का पेयर है, उसने भी लेंग भी कर दी है। ये वाला भी वाइट का पेयर है माशाल्लाह, गए हुए हैं इसके अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करेगा जी अच्छे निकल जाएगा। ये वाइट रिंगनेक का पेयर है मेरा जी, ये वाइट रिंगनेक ने अंडे दे रखे हैं जी, ये वाइट रिंगनेक के अंडे हैं जी बिल्कुल। ऊपर ये है जी मेरा क्रीमिनो डबल फैक्टर, खैर ये लोग तो ट्रिपल फैक्टर कहते हैं लेकिन डबल फैक्टर ही होते हैं। तो ये क्रीमिनो रिंगनेक का पेयर है, और इसके साथ ये है जी मेरा बहुत ही प्यारा पेयर है, वाइट का मेल है और येलो की मादा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसने भी लेंथ का रखी है। मैं आपको इधर से दिखा देता हूँ, बस मेरा जी मादा ने माशाल्लाह चार अंडे दिए हुए हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके नीचे है क्रीमिनो का पेयर, डबल फैक्टर का पेयर है माशाल्लाह, खूबसूरत लेंथ का पेयर है। और इसके साथ आगे आ जाने ये है, हाँ जी येलो का मेल है, इसकी फीमेल बाहर उड़ रही है, असल में अभी निकल गई थी, ये भी मेरा मतलब वाइट की फीमेल है और येलो का मेल है। और ये जो है येलो का बहुत ही प्यारा मेरा पेयर है जी, सेम पेयर है और बहुत अच्छी ब्रीड करता है। जी इसके साथ ये है जी येलो का पेयर है मेरा अल्हम्दुलिल्लाह, और इसके नीचे भी है जी क्रीमिनो का पेयर मेरा डबल फैक्टर का, और इसके साथ भी मेरा एक क्रीमिनो का पेयर बैठा है जी माशाल्लाह। ये पांच पेयर मेरे पास क्रीमिनो के लगे हुए हैं जी माशाल्लाह, डबल फैक्टर में खूबसूरत लेंथ में, और इससे ऊपर वाला जो है वो मेरा येलो का पेयर है। येलो रिंगनेक का पेयर है, और इससे आगे आएंगे तो आपको एक और येलो का पेयर मिलेगा
अल्हम्दुलिल्लाह ये भी येलो रिंग का प्यार है जी। और इसके नीचे आप आएंगे तो आपको लोरी का प्यार मिलेगा, ठीक है, इसके लोरी का जी। ये मादा इसकी मैंने साबिर भाई से ली थी अपने मुजफ्फरगढ़ से, और इसका जो मेल है बहुत प्यारा मेल है ये जी, मुझे आमिर रशीद साहब वहाँ कैंट से उन्होंने गिफ्ट किया था जी, उनकी मेहरबानी है, बहुत प्यारा मेल है और ये प्यार बहुत प्यारा प्यार है मेरा। हाँ जी आगे आएंगे तो ये येलो का प्यार एक और आपको मिलेगा अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी येलो का प्यार है जी, खूबसूरत प्यार है मेरा ये येलो का। और नीचे इसके आप आएंगे तो आपको एक रा का प्यार मिलेगा जो इधर लगा हुआ है, उधर केज में स्पेस नहीं थी इसलिए ये पेयर हमने इधर लगाया हुआ है। इसका मेल मेरे ख्याल में अंदर बैठा है बॉक्स के शायद ऐसे है, तो बस ये भी ऐसे इंशाल्लाह ताला तैयारियों में अपनी इंशाल्लाह ताला। हाँ जी आगे आएंगे तो आपको एक लोरी का पेयर और मिलेगा जी, सैमसंग लोरी है जी, ये बहुत प्यारा पेयर है मेरा सैमसंग लोरी का, खूबसूरत लेंथ वाइज हाइट वाइज प्यारा पेयर और रोमांस प्यार है यूँ समय रोमांटिक तरीके से। एक ये है जी वाइट का प्यार मेरा अल्हम्दुलिल्लाह, इसने भी लैंग कर रखी है जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरा प्यार फर्स्ट टाइम लैंग कर रहा है जी अल्हम्दुलिल्लाह, करेगा जी फोटाई लगूंगे क्रॉस होता हुआ, मैंने खुद इसको देखा है, अल्लाह करेगा जी इंशाल्लाह ताला ये भी ब्रीड करेंगे और इंशाल्लाह इसका अच्छा रिजल्ट देंगे मुझे। अच्छा जी इसके साथ ही आप आ जाएं आगे, एक येलो का प्यार मिलेगा आपको, ये भी येलो का प्यार है जी, और इसके नीचे आप जाएंगे तो फिर एक और प्यार मिलेगा वो भी येलो का प्यार है। ये तीन पेयर बैठे हैं जी, बस ये मेरे पास ग्रीन रिंग नेक के पेयर हैं, और सिर्फ यही तीन पेयर हैं जो ग्रीन रिंग नेक के हैं मेरे पास, जिसे हम काठा कहते हैं, इसके सिर्फ तीन पेयर हैं मेरे पास भाई। इन्हें पालने का कोई खास मकसद? बस पहले तो शौक़ था, हॉबी है, लेकिन अब जो है शौक़ के साथ साथ बिजनेस भी है मतलब क्या बच्चे पलवाएंगे क्या? हाँ जी इनसे येलो के भी आप पलवा सकते हैं, वरना इनके अपने बच्चा भी माशाल्लाह आप जो है ना ठीक तरीके से सेल हो रहा है, 2500-3000 रुपये का बच्चा सेल हो जाता है, आप उसके पलवाना चाहते हैं ठीक है, वरना अदरवाइज इसका अपना बच्चा भी बड़ा अच्छे रेट्स में बिक जाता है। हाँ जी ये तीन पेयर है मेरे पास ग्रीन रंग के, और लगाने हैं ग्रीन रंग के इंशाल्लाह ताला, नेक्स्ट ईयर प्लान है कोई और लेंगे तो कितना बनाएंगे कि चलो बच्चे पलवा लेता है बंदा या चेंज कर लेता है, वैसे ग्रीन के आजकल अपनी मार्केट भी अच्छी है जी। इस साइड पे आप आएंगे तो आपको सिर्फ ये चौकीदार टाइप सनकिन और है जो शोर बहुत करता है, लेकिन ये चौकीदार है आपका फार्म का, फौरन बता देता है कोई बंदा अंदर आ गया। ये 8 पेयर लगे हुए हैं जी मेरे सनकिन और के, और माशाल्लाह ब्रीडर पेयर है मेरे सारे, लेंग भी कर रखी है, तीन पेयर ने लेंग की हुई है इसमें अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन यह कि बस ये ज़रा दिखाने में थोड़ी परेशानी होती है इनको, ये फौरन ये इसमें भी एक लोरी बैठा है रेड कलर लोरी, ये बहुत प्यारा प्यारा है, ये फरोख भाई हैं लाहौर से, उनसे हमने लिए थे, तो ये देखें जी ये बस इसी यही वजह है जी, ये हमें बस आप थोड़ा सा इनके एग की तरफ जाएँ सही है जी, माशाल्लाह 4 अंडे उतारे हैं इसने, और ये मेरे ये देखें अब देखें जी आता हुआ देखो चौकीदारों को, ये कहते तुम कौन हो मैं हमारे अंडे देखने वाले, ये देखें गुस्से में आ गया है बल्कि अब तो इसको ये लो भाई बंद कर देते हैं, गलती हो गई बंद कर देते हैं। ये लें जी ये इधर से आएंगे तो आपको और भी स्थान के और के प्यार मिलेंगे जी, ये माशाल्लाह ये भी सनकिनोर के ब्रीडर पेयर है मेरा, ये सारे ब्रीडर पेयर हैं, ये मैंने खुद चिक्स लेके पाले थे, 2 साल का अर्सा मैंने इनका इंतज़ार किया है अल्हम्दुलिल्लाह, अब ये ब्रीडर पेयर हैं, पिछले साल भी इन्होंने ब्रीड किया है, इस साल भी ये लेंग कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह,
जी माशाल्लाह, ये बिल्कुल प्यारे प्यारे हैं, रेड फैक्टर में प्यारे हैं, खूबसूरत अंदाज। आगे जाएंगे तो आपको और संत में और के पेयर मिलेंगे। तो इस कलर थोड़ा बॉक्स भी सीधा करना है आपको। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ऊपर वाले पेयर ने भी चार अंडे लेके हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये भी हमसे पूछ रहा है कि भी क्या करने आए हो तुम लोग। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, जी इसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, एक और टूटा हुआ चार है, एक बस वो कल इसने मेरे घर में तोड़ दिया शायद, लेकिन जो थोड़ा शरारती परिंदा है अल्हम्दुलिल्लाह जी। भाई ये बताएं कि आपके पास पैरट की तरह कितनी है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मेरे पास इस टाइम जो लगे हुए हैं इस टाइम बॉक्स के साथ, वो मेरे को 50 पेयर लगे हुए हैं। बाकी अडल्ट पेयर हैं वो इंशाल्लाह देखो इसी साल लगाए, नहीं तो नेक्स्ट ईयर में लगाएंगे। तो 21 पेयर अडल्ट भी बैठे हैं मेरे पास, 50 पेयर को बॉक्स लगा हुआ है मेरा अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें से 25 पेयर जो हैं वो रिंगनिक के हैं, जिसमें वाइट क्रिमिनो और येलो के, ज़्यादा येलो के हैं, और दो ग्रे के लगे हुए हैं, और 12 पेयर जो है रॉ के लगे हुए हैं, और 8 पेयर सन के न्योर के लगे हुए हैं, और 3 पेयर लोरे के लगे हुए हैं, बाकी 3 ग्रीन रिंग के लगे हुए थे। तो इसके अलावा के पास कॉकटेल भी तो है? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, कॉकटेल और लव बर्ड भी मेरे पास काफ़ी सारा है, वो मैंने एक अलहदा सेट बनाया वो उसमें रखा हुआ है। कॉकटेल भी है, लव बर्ड भी है मेरे पास, वो काफ़ी सारा है, लेकिन वो मैंने अलहदा सेटअप पर रखा हुआ है। ये सेटअप मैंने अब नया बनाया, ये सिर्फ बड़े बर्ड्स के लिए बनाया है। भाई आप अपना फ़ोन नंबर बता दें जी। फ़ोन नंबर है मेरा 03006862222। जी ये सर्दियों में हम मतलब ये छिक्के लगा देते हैं, एक साइड पे शॉपर भी लगा देते हैं, ताकि जब सर्दी ज़्यादा होती है तो शॉपर लगा देते हैं एक साइड पे, और बाकी ये छिक्के वगैरह लगा देते हैं। तो सर्दी का अगर ज़्यादा सर्दी पड़ जाए तो हीटर वगैरह भी लगा देते हैं। खाने में क्या दे रहे हैं? खाने में अल्हम्दुलिल्लाह वैसे फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह सारा इनको दे रहे हैं, विटामिन भी दे रहे हैं, बाकी जो नेचुरल इनके फूड है वो भी दे रहे हैं इनको। मतलब है ये जो हम मतलब ऐसा इनको देते हैं सूरजमुखी ये वगैरह भी दे रहे हैं, मूँगफली वगैरह हो गए। फ्रूट्स में हम इनको मतलब एप्पल और मतलब अमरूद हो गया, ये सारी चीज़ें दे रहे हैं इनको, बाकी छलियाँ वगैरह भी दे रहे हैं इनको। ये पौधों का अल्हम्दुलिल्लाह पौधे इसलिए लगाए गए हैं कि ये इन्वायरमेंट है इनको, मैंने पहले भी बताया आपको कि इसलिए लगाते हैं ताकि वो थोड़ा इसमें रिलैक्स फील करते हैं बर्ड्स, और ये समझते हैं कि हम किसी जंगल में हैं, तो ये इसलिए ज़रा खूबसूरती भी होती है, ग्रीनरी भी होती है, और बर्ड्स की इन्वायरमेंट भी होती है। ये बताएंगे ये ब्रीड कितनी दफ़ा करते हैं साल में पैरेट्स? जी पैरेट्स तो 3 क्लच भी कर जाते हैं, वैसे रूटीन में 2 क्लच करते हैं, कुछ अच्छे बर्ड होते हैं जो 3 क्लच कर देते हैं। मतलब है हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 3 क्लच है, वो मैंने आपको वाइट और येलो का एक पेयर दिखाया है जिसमें मतलब अभी 4 अंडे आए हुए थे, वो मेरा 3 क्लच करता है अल्हम्दुलिल्लाह, और 4 बच्चे निकलता है, चारों बच्चे आराम से पालता भी है माशाल्लाह, वो 3 क्लच करता है मेरा पेयर। बाकी भी हैं इसमें राह के पेयर हैं वो भी 3 क्लच करते हैं मेरे अल्हम्दुलिल्लाह। तो सन किनोर हो गए वो भी 3 क्लच करते हैं। आने वाले वक्त में क्या क्या प्लान है आपके? जी बाकी तो देखो अल्लाह को जो मंजूर होगा, आने वाले वक्त में प्लान तो बहुत अच्छा है, अभी नेक्स्ट में इंशाल्लाह कोई मकाउस और काकाटूज वगैरह भी लगाने का है इंशाल्लाह, जगह अभी ये नई परचेज की है तो इसलिए इंशाल्लाह ताला इसका नेक्स्ट प्लान वही है कि बड़े बर्ड में जाने का, काकाटू वगैरह लगाएंगे और बाहर बनाएंगे, बाहर जो जगह बची हुई। हाँ जी बाहर जगह बची हुई है, इसके ऊपर भी मैंने बनाना है, मतलब जो ये मैंने बिल्डिंग जिस पर खड़े हैं इसके ऊपर भी बनाना है, तो वो बड़े बात है इंशाल्लाह ताला इसके नेक्स्ट में रखेंगे इंशाल्लाह। जी ये पॉकेट टेल हैं फ्लैंग पे छोड़ा हुआ है इनको, और ये मेरे माशाल्लाह बड़े पीस हैं, इसको भी लगाएंगे बॉक्स वगैरह, तो अभी इनको बस जगह नहीं है पेड़ को लगाने की, तो इसको बनाएंगे इंशाल्लाह।
कितनी जगह पे बना हुआ है ये? ये 15 मरले पे बनाया हुआ है हमने। ये आगे मैंने जगह रखी हुई है इसके लिए, मतलब ये कुछ लॉन वगैरह भी बनाया गया और बाकी इधर बड़े बर्स की सेटिंग कर ली है और ऊपर भी बड़े बर्स डालने हैं। जी जी, ये मेरे पास 15 मरले स्पेस है। जिसका कोई डिमांड करता है ये चीज़ें लेता है।